الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأعطانا وأنجدنا محمد أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وإذا قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وإذا قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزئ به وإذا قال الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام کہ حلیہ ان کا کیسا تھا
आपका नाक, आपके लबों के साथ, आपकी भवें, आपके हाथ, आपके तलवे, आपका चलना, आपकी बोली, इससे हुलिया कहा जाता है। हुलिया मुबारक। शमाइल तिर्मिजी, जो तिर्मिजी शरीफ की शरह है, शमाइल तिर्मिजी के अंदर तफसील से आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुलिया मुबारक को जिक्र किया गया है। उसी का तर्जुमा है जो नाक की शक्ल में मैं पेश कर रहा हूं। दिले मुस्तर कहा जाता है परेशान दिल। हर ईमान वाला परेशान है कि मैं अपने आका की झलक देख लू। जिनके नाम पर, जिनके काम पर आज जान कुर्बान कर रहे हैं हम और आप, उनकी जात को देख ले। अगर देख नहीं पा रहे, देख नहीं सकेंगे, अल्लाह ताला कयामत में तो जरूर दिखलाएगा। कयामत से पहले अल्लाह ताला कब्र में सरवरे कौनैन, रसूल सकलैन, नबी हरैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, हजरत मोहम्मद मुस्तफा का दीदार करवा देंगे। बशर्ते कि ईमान वाला हो और नबी के फरमान के मुताबिक चले। मेरे भाइयों, आपका हुलिया मुबारक पेश कर रहा हूं, बड़ी तवज्जो से समाप्त की। न पूछ अब ऐ दिले मुज़्ज़र के हुलिया उनका कैसा था, के ताबानी में सूरज क्या कोई न उनके जैसा था, के ताबानी में सूरज क्या कोई न उनके जैसा था। लगे धनवा
तो मना है, अल्लाह की मना है तो नबी कैसे अल्लाह की मना के मुताबिक होता तो काम न करते। आप चलते तो लगता था झुक के चलते थे जैसे ऊपर ढलान से नीचे उतर रहा, पहाड़ी से नीचे उतर रहा, ढलान धनवा से नीचे उतर रहा।
नौजवानों, अजीज बच्चों, फर्जनशीन माएं और बहने और निकालों के जितने भी गाँव है इस इलाके के अंदर, इस इलाके के तमाम के तमाम मेरी माए और बहने जो पर्दे में बैठ कर सुन रही है, अब भाई मेरे मुसलमान भाई जो अपने घरों में है, तब सबको मेरा पैगाम है कि नबी आखिर जमा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को रब जलाल ने इस कायनात में हिदायत के लिए भेजा कि ऐ मेरे लाल नबी, आप दुनिया में जाइए और नबी भी आए, अलिया को शरीर नाते चलेंगे अखीर में सरवरे कौनैन रसूल सकलैन नबी हरमैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा कि आप जाइए मेरे बंदों को मुझसे जोड़ दीजिए। मैं आया हूँ तो बंदो तो खुदा के दर पे ले मैं गवाही देता हूँ, मोहम्मद गवाही देता है कि अल्लाह
شریف ہے کہ اللہ شریف ہے. اور آگے فرماتے ہیں ونشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے. اللہ کہتے ہیں قرآن میں بے شک اللہ
इन्नल्लाह व मलाइकतहु और उसके फरिश्ते युसल्लून अलन नबी दुरूद भेजते हैं नबी पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालों सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा ए ईमान वालों तुम भी दुरूद भेजो सलाम भेजो जैसा कि मेरे नबी का हक है। ऐसा वैसा सलाम नहीं बल्कि नबी का हक जो है उस हक के मुताबिक सलाम भेजो। नबी ने बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सहाबा ने करके दिखाया आदम अलैहि सलाम आदम पर सलाम डायरेक्ट बोलते हैं नूह पर सलाम हूद पर सलाम लेकिन अल्लाह कहते हैं जब मेरे नबी का मकाम आए तो मेरे थ्रू से मेरे नबी पर सलाम भेजो इसलिए कि मेरे नबी के मकाम को एलाव मेरे जिब्रील जान सके नबी का ही जान सके ना इस्राफील जान सके ना इस्राइल कोई जान सका सिदरतुल मुंतहा तक जाकर जिब्रील हुए रुक गए आगे बढ़ सके नहीं गए अगर यसरे ए बरतर परम फरोहे तजल्ला बसोजद परम जिब्रील अली से हुजूर ने फरमाया ए जिब्रील तुम तो दुनिया से यहाँ तक पीछे लेकर आ गए अब तुम पीछे हट रहे हो आगे कुछ चलो मेरे साथ। जिब्रील अली ने कहा कि अगर एक बाल के पर बाल के बराबर भी अगर मैं आगे बढ़ जाऊं अल्लाह के लाले नबी ए हबीब खुदा अल्लाह के रसूल अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं तो मुझे अल्लाह ने 700 पर दिए हैं जिससे जमीन से आसमान आसमान से जमीन हुआ करता मशरिक से मगरिब तक फैला देता हूँ अल्लाह ने कुव्वत दी है अगर एक बाल के बराबर भी बढ़ूंगा ये तमाम पर जल के खाक हो जाएंगे मुझे वो परमिशन नहीं है ये तो आपको परमिशन मिला है अल्लाह के नबी आप जाइए अल्लाह के पास आप पढ़ते रहे अल्लाह आवाज लगाता रहा उदू मिन्नी उदू मिन्नी उदू मिन्नी और करीब आइए और करीब आइए और करीब आइए आइए आप गए दो जानों अल्लाह के जानों से मिलाकर बैठ गए आपने तीन सलामी पेश की अत्तहियातु लिल्लाह कहाँ पढ़ा जाता है भाइयों नमाज में पढ़ा जाता है क्या भैया ये नबी की सलामी है जो अल्लाह को नबी ने दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से बोलो ये छोटा दुरूद है मजलिस से दुरूद है एक मरतबा पढ़ना वाजिब है अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार होगा और बार बार पढ़ता रहेगा तो देखिए उसके नामे अमल तो जमा होते चले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात कितनी तीन सलामी अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को दी तमाम जानी इबादतें तमाम माली इबादतें तमाम बदनी इबादतें ए अल्लाह तेरे लिए है और रसूल कह रहे हैं अल्लाह के रसूल फरमा रहे अल्लाह ने तीन जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी सलामती हो तुम पर ओ नबी एक हुआ सलामती हो तुम पर ओ नबी व रहमतुल्लाह दो व बरकातु तीन सलामी अल्लाह के नबी ने दिया जवान रसूलुल्लाह को अल्लाह ने तीन दिया तीन जवाब मिल गए अल्लाह के रसूल ने सारी उम्मत के ख्याल फरमाया पूरी उम्मत का ख्याल फरमाते हुए फरमाया अस्सलामु अलैना हम सब पर तेरी सलामती हो ऐ अल्लाह हम सब पर तेरी रहमत हो ऐ अल्लाह व अला इबादिल्लाहि सालिहीन और तेरे नेक बंदों पर गोया के रसूलुल्लाह ने अपनी काली कमली के साए में पूरी उम्मत की गुनहगार उम्मत को लिया क्योंकि बाद में नेकों का जिक्र भी आप कर रहे हैं तो ये जो हम सब पर हो जो कहा ये अपनी गुनहगार उम्मत को आपने अपनी काली कमली के साए में लिया और मुत्तकियों का जिक्र भी किया भाई वो मुत्तकी है उनके लिए अल्लाह का वादा है तो तीन जवाब अल्लाह ने दिया अंदाजा कीजिए रसूल करीम का मकाम कितना ऊंचा कितना बड़ा
पर दुरूद भेजते हैं ए ईमान वालों, तुम भी उस उन पर दुरूद भेजो। दुरूद और सलाम में अल्लाह खुद शामिल हो रहा है। हमारी
दरवाजा खोल
إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله حكم لك هي لك إن الله يأمركم حكم لك هي لك الله تم کو حکم دیتا ہے لالی کہ یہ امانت جس کی ہے اسی کو واپس کیجیے. اے بھائی اللہ کے حکم پر چلنے والا آج کا طاقت والے انسان اپنے مالک کو ٹھکرا دیتا ہے جب طاقت آ جاتی ہے. ٹھکرا دیتا ہے نہیں ٹھکرا دیتا ہے. میری آقا ہے اللہ کا حکم آتا ہی نہ عباس کا خیال کیا نہ ابو بکر کا خیال بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے چابی کسے لی تھی؟ عثمان بن طلحہ سے. یاد رکھو نا نوجوانوں وہ چابی پر بار متولی کون تھا؟ عثمان بن طلحہ. آپ نے چونکہ اسی سے چابی لی تھی اللہ کہا کہ اس نے کو چابی واپس کرو حالانکہ ابھی وہ ایمان لائے نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے. آپ نے چابی جیسے ہی واپس کر دی. سنو غور سے سنو روایت میں آتا ہے عثمان بن طلحہ اور خوشی کے آنسو چھڑک آئے اور کہنے لگا اے محمد آپ نے کعبے کی چابی تو دے دی ہے اب میری درخواست ہے جنت کی بھی چابی مجھے دے دیجیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے ایمان میں آیا ہوں کہ بندوں کو خدا کے در پہ لے جاؤں نجات دنیاوی وہ اخروی کی راہ اچانک پہل کر دی. روایت میں آتا ہے میرے آقا نے دونوں موجود مجھے پکڑا
तो पहलवान को दोनों मोड़े को पकड़ के उठा दिया। अब लटक रहा है क्योंकि ताकत और इंसान किसी हल्की चीज को भी ऐसे उठा कर दिखाएगा कि आप समझेंगे बिल्कुल हल्का फुल्का उसके सामने है। भी तुम्हें ताकत और अल्लाह ने 4,000 औरतों की ताकत दी थी और ये 1,000 आदमी की ताकत रखता था। आपने फरमाया पटक दो के छोड़ दो। सोचा बाई चांस हो गया, बाई चांस इस तरह हो गया होने मुझे कोई नहीं पहुंचा सकता था। वो क्या जाने मेरे आका की ताकत। आपने कहा कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। आपने ऐसे उतारा ये दुआएं उसने गुस्सा और ताकत के इस्तेमाल करते हुए आपका हमला आकर हुआ। आपने यूं गिरेबान को पकड़ा यूं एक हाथ से यूं उठाया और फरमाया बेटा तू यार छोड़ दो। फिर भी वो सोच रहा है कि अचानक हो गया हो। अरे छोड़ दीजिए अपने ऐसे हम होते हैं की ताकत वाली ना एक ही चांस में सीने में बैठ कर यूं उसको देते ऊपर से नीचे से। लेकिन नहीं मेरे आका चाहते थे कि ये अल्लाह की ताकत तू समझ ले और मुझे नबी बन ले और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के जन्नती बन जाए। वरना तो आप दुनिया को दिखाने के लिए नहीं दिखे मरतबा फिर हमलावर होता है वो जो इज्जत की मट्टी पर ही रो रही ना हजार नंबर की शोहरत था पूरे आलम में। रिवायत में आता जैसे हमलावर हुआ है तो फुल गुस्से और फुल ताकत आपने यूं दो उंगली उसके ये नेते के बनाई है नबी के और जिन उठाए के इस तरह लटक रहा है। आपने फरमाया पटक दो या छोड़ो। कहा पटको या छोड़ दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। ईमान ले आता है मेरे आका ने इस दीन के फैलाने में जो तकलीफें उठाई है दोस्त बुजुर्ग और मुरादे आपको सुने नहीं खत्म हुई है न हो सकेगी। तो किसने बता हो सके थे आका के और साहब आपकी हमद और सना आपकी तारीफ आपकी सीरत को बयान कर सके कि मौके पर तकलीफ में भूखे हैं कई रीतिम से भूखे हैं सरवर कौनैन बैठे हैं मस्जिद नबवी में कितने में हजरत अबू बकर भी आ गए हजरत उमर भी आ गए और दोनों ने आगे शिकायत की या रसूल अल्लाह कई रोज से भूख की वजह से पेट पीठ में जाकर लग गया है और हमने इसमें पत्थर बांध लिया है ताकि कुछ तसल्ली हो जाए भोजन होने की वजह से तसल्ली हो जाए। अपना कपड़ा उठा के दिखाया आका ने देखा कि अबू बकर के पेट में भी एक पत्थर बंधा है उमर के पेट में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक पत्थर बंधा हुआ है। आप मुस्कुराए मुस्कुराने के बाद अपना दामन उठाया उठाया तो सिद्दीक अकबर ने भी देखा और उमर ने भी देखा कि हुजूर के पेट में दो पत्थर बंधे एक तो एक पत्थर बना हुआ था तसल्ली के लिए आप दोनों पत्थर वाले रिवायत में आता है थोड़ी देर में सहाबी रसूल गुजरे असर का बात का वक्त था मगरिब करीब करीब था। फरमाया तस्करा हुआ कि कुछ भी नहीं खाने को ना ये है खजूर है ना कोई खाने की चीज है परेशान है। तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह अभी मैं आया हूँ ये गदा भी मैं अस्वद एक सहाबी है खजूर का बाग रखते हैं उनके घर के सामने ढेरों खजूर जमा हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा अभी आ रहा हूँ अगर वहां तशरीफ ले जाए किसी को भेज दे तो आ जाएगा खजूर। हुजूर ने मशवरा किया और फरमाया तो मगरिब पढ़ करके चले मगरिब पढ़ करके तीनों के तीनों हजरत नबी करीम सैयद आलम और हजरत अबू बकर और हजरत उमर तीनों के तीनों पहुंचे अंधेरा हो चुका था। हजरत यत्रा बिन अस्वद के घर पहुंचने के बाद दस्तक दी हुजूर ने जैसे ही घर में दस्तक दी बेटी लड़े हुए आई और फटन से देखा कि पूरा अंधेरे में पूरा चेहरे नरवर की वजह से पूरा रोशन है घर के सामने का हिस्सा डालना खुश हो गई दौड़े हुए गई कहा कि अब्बा जान खुश नसीबी है हमारी कि हमारे घर पर आकाएं नमदार सरवरे कौनैन रसूल सकरैन जिलो अफरोज है। हलते मिर्जा भी मेरे सो दौड़े हुए आए आए और फरमाया दरवाजा खोलना ही पड़ गए फरमाया रसूल ने कैसे आना हुआ मेरे यहाँ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अस्वद हमने सुना तेरे यहाँ खजूर के ढेर हैं अब आ गए तो हुजूर की आदत नहीं थी किसी से भेंट करने कोई होती नहीं उसे घर पहुंच जाते थे। एक बेवा के घर आप पहुंचे उसे घर में गोश्त पक रहा था और गोश्त की खुशबू
मेरे आका ने उस गरीब की कैसी दिल आजादी के बजाय आपने दिल को मोह लिया। आपने फरमाया अल्लाह के सदका तुम ली हती है तुम, ऐ दीवा तेरे लिए जरूर वो सदका था, तेरे पास आ जाने के बाद अब के मेरे लिए वो हथियार बन गया। ये दो जुमले ने पूरी कायनात के गरीबों के अंदर से जो नफरत थी अल्लाह ने दो जुमले में खत्म कर अल्लाह को। अगर आप ये दो जुमले न फरमाते आज किसी गरीब के घर में आप एक प्याली चाय नहीं पी सकते। पी सकते थे क्योंकि ज़कात उसी को दे रहे हैं, खैरात भी उसी को दे रहे हैं। चाय पिए जाएंगे नफरत करेंगे कि नहीं करेंगे? खैरात खाती है ज़कात खाती है उसकी हक है ना कि खाओ पियो, लेकिन नहीं मेरे आका ने फरमाया ये खैरात तो ज़कात जिसके पास आज मेरा जो मालिक बन गया जो उसका हकदार था मालिक बन जाने के बाद अब वो सदा ज़कात में रहा, वो सदका सदका में रहा, वो चाहे जीरा खरीदे चाहे हीरा खरीदे मालिक बन गए। अब उसी ज़कात देने वाले को अगर वो एक पहली चाय पेश करती है तो उसे कबूल करना चाहिए या नफरत करना चाहिए? कबूल करना चाहिए। ये मेरे आका ने जो सबक दिया तरबियत की, आपने कहा खिला आनंद ने जोश किया तो आपकी आदत थी जिसे बैठ कर रुकी होती जिसके घर चले जाते थे हरत जिद्दा भी मैं सोच रहे जाता है ढूंढे फरमाया आप से नाम ने फरमाया मिलता हमने सुना तुम्हारे यहाँ खुजूर है हम खुजूर खाने आ रहे हैं लिहाजा इतना कहना था कि हजरत मिलता भी ने अस्वद झाड़े मार मार के रोने लगे अल्लाह ने
पैदा होते ही भूख और प्यास दोनों खाली हुई, कुछ खाओ और पियो और रोता खजूर कहते हैं सिफत है उसके अंदर अल्लाह ने वो खूबी रखी है, उसको अगर कोई खा ले भूख की भी शिद्दत खत्म होती है प्यास की भी शिद्दत। कुरान में अल्लाह ने फरमाया हुसी की नहीं की भी जिस वही नखलाती प्रदूषण के कारण वाले की भी तो जमीया है मरियम उस सूखे खजूर को हिला के तू देखो मेरी इजाजत है इससे खजूर गिराएगी और गिरा टप टप के खजूर गिरा। हजरत मरियम ने उसे खाया तो पेट की भूख भी खत्म हुई और जो है कि प्यास भी खत्म हुई। जब एक वलिया के लिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है मैंने गिराया है अपने लाले नबी के लिए नहीं गिरा सकता अल्लाह ने गिराया और वो घर कलाश पाया तब अल्लाह ने गिराया जैसे कलाश पाया दूर की नहर जाने के लिए अल्लाह ने यह भी मिकदार के घर में एक दाना खजूर का ही अल्लाह ने रब्बू की बड़ी इज्जत सारी खजूर ले आए। हजरत मिकदार रजी अल्लाह तआला को खुश हो गए सहाबा हुजूर भी खुश हो गए सिद्दीक अकबर भी खुश हो गए और खा करके जो चले बकिया बचा हुआ अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दिया गया। इतनी तकलीफों के साथ अल्लाह के नबी ने इस दीन को जो दीन हमारे पास पहुंचा है पहुंचाया है जिम्मेदारी हमारी है कि अपने लाले नबी के दीन को यूं ले कलेजे से लगा ले और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश क्या अहद करते हैं हम जोड़ने वाला काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आया हूँ के बातों को खुदा के दर पे ले जाऊं मैं आया हूं के बातों को खुदा के दर पे ले जाऊं न जाते दुनिया में वो उखरवी की राह समझाऊं। हम जुड़ने का काम करेंगे इंशाल्लाह। एक बार सवा हजरत आयशा सिद्दीका ने रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा तुम्हारी कोई इतनी खास मांग हो तलब हो तो तलब हो वो बताओ उससे मैं तुम उस बात को बताऊंगा। अब आयशा क्या कहती क्योंकि रसूलुल्लाह के मिजाज को सबसे ज्यादा पहचानने और जानने वाले हजरत अबू बकर हैं जो उनकी वालिद हैं। हजरत अबू बकर के पास पहुंच गई हजरत अब्बाजान आका आज बहुत खुश हैं और उससे कह रहे हैं कि अगर तुम कोई खास बात मुझसे जानना चाहती हो तो मैं आयशा मैं तुम्हें क्यों बताऊं आप बताइए अब्बाजान क्या मैं पूछूं आका से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया बेटी जाकर पूछना ऐ अल्लाह के रसूल मेराज की रात अल्लाह ने आपको जो खास बात बताई है उस खास बातों में से एक बात मुझे बता दी जिसको आपने अभी तक नहीं बताया। तो सरवरे कौने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ी बात का तुम मुकालबा की हो ये तुम्हारा नहीं अबू बकर का होगा ये अबू बकर ने इशारा किया होगा कहा आप बजाम से मैंने पूछा था लिहाजा उन्होंने यही सवाल किया है अगर आपको बताना है तो बताए। गौर से सुनो नौजवानों बुजुर्गों में ईमान बहनों रिंगालों की माँ और बहनों जिसने भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है वो ईमान वाला है उसका ठिकाना जन्नत है खुदा की कसम। शर्त ये है कि नबी की एक एक बात को गौर से सुने अमल करे और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। मेरे आका ने फरमाया आयशा बहुत बड़ी बात तुम पूछ रही हो फरमाया बता दीजिए या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया आयशा अल्लाह ने मुझसे एक खास बात में ये कहा है कि कल कयामत के दिन उस बंदे को मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा जो बंदा किसी बंदे को खुश करके आया हो जो बंदा किसी बंदे को खुश करके आया होगा उस बंदे को मैं जन्नत के अंदर दाखिल कर दूंगा। हजरत आयशा खुश हो गए कि मैं अपनी उम्मत को अल्लाह के रसूल की उम्मत की बात करो हजरत आयशा से बेशुमार हदीस है रिवायत आई है इसलिए कि आपकी बीवियों में सबसे ज्यादा जहीर सबसे ज्यादा आई वाली हजरत माँ आयशा ही है लाड़ी। तो हजरत माँ आयशा अपने बाप के हुक्म के मुताबिक हुजूर क्या बताते तू आके मुझे बताओ जब जाकर अपा को बताई तो ये तो खुश होकर गए कि हम बंदों को कहेंगे कि भाई एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। तो हजरत अबू बकर के पास जब जाकर पहुंची और ये बात को कहा अब्बा जान खुशखबरी हो के रसूलुल्लाह ने फरमाया है जो बंदा किसी बंदे को जो बंदी किसी बंदी को औरत हो औरत को मर्द हो
सिद्दीक अकबर रोने लगे और बहुत रोने लगे। हमें खुशी हुई कि नहीं? हमें किसी को खुश कर दें? हजरत अबू बकर जब रोने लगे तो मां आयशा ने फरमाया, अब्बा जान ये तो खुशी का मकाम है, खुश होने चाहिए, आप रो क्यों रहे? हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मुसलमानों मेरे आका को सबसे पहले ईमान लाने वाले, आका का निशान खून सोने वाले, आका को अपने पीठ पे लेकर तकलीफ उठा लेकर सौंप कर जाने वाले, आका के लिए हर चीज को राम करने वाले सिद्दीक अकबर पहले शख्स है। फरमाते हैं, आयशा मैं इस गुनाह पर रो नहीं रहा हूँ कि अल्लाह ताला जन्नत में भेज देगा, इसलिए रो रहा हूँ जो बंदा किसी बंदे को तकलीफ देगा उसका ठिकाना क्या होगा। अल्लाह ताला हमारे लिए
किरदार को बनाया है और रोजा हम पर फर्ज है। शैतान और नफ्स हमारे पीछे पड़ा हुआ है और कुछ गंदे दोस्त भी पीछे पड़े हुए हैं, बहाने बहाने से हमें रोक देते हैं। याद रखो एक फर्ज की अदायगी में होता ही हमारे ये ईमान का भी खतरा हो सकता है, ईमान पर जो है कि जब्त पड़ सकता है। हमें अगर इनकार कर दिए तो कुफर आ जाएगा, लेकिन अगर छोड़ते हैं तारी के शौक होते हैं रोजादार रोजा छोड़ते हैं तो बड़ा खतरनाक जवाब दे हमें होना पड़ेगा। हम जवाब नहीं दे सकेंगे कल कयामत के दिन कि हमने रोजा छोड़ दिया जो कि हम पर फर्ज था। बहाने बहुत सारे आते हैं, उन बहानों को छोड़ देना। अल्लाह को रोजा अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है रोजा, क्योंकि अल्लाह खाता पीता नहीं, लिहाजा अल्लाह चाहते हैं मेरा बंदा मेरे उस हिफत से कुछ देर मुतसिम हो जाए। अल्लाह 24 घंटे में कभी नहीं खाता, ना अल्लाह को नींद आती है ना भूख आती है, ना खाता है ना पीता है। बंदा भी खाना पीना छोड़ता है अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है। अल्लाह कहते हैं उसके मुंह की खुशबू अल्लाह के नजदीक मुश्क अंबर से भी ज्यादा खुशबूदार। हालांकि हमारे एक दूसरे को मधु लगता है, लेकिन अल्लाह कहते हैं मेरे उस रोजेदार बंदे की मुंह की खुशबू मुझे मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबू है। और फरमाया अना अजजी बिही, उसका बदला मैं दूंगा फरिश्तों के हाथों से। दूसरी हदीस में फरमाया और मैं उसका बदला खुद बन जाऊंगा, यानी बादशाह जब गुलाम का खुद बन जाए गुलाम को कोई फिक्र की जरूरत नहीं। अल्लाह के वास्ते नौजवानों इस फरीजे को जिस तरह नमाज के फर्ज को अदा करते हो रोजे के फरीजे को भी अदा करो, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों मेरी माँ बहनों जहाँ बैठी हो अल्लाह के लिए रमजान के रोजे को कदर करो और रोजे को पूरा करने की कोशिश करो। अल्लाह ने 30 रोजे या 29 रोजे जो भी दे हम उसको तकलीफ के साथ अगर पालन कर लेंगे अल्लाह की नियमतें। अल्लाह खुद कहते हैं हदीस कुदसी में आता है खुशी हासिल होती है नहीं होती है, न खाने के ऊपर पड़ जाता कोई रोजेदार खाने की जी नहीं जाता। यहाँ तक कि असली रोजेदार भी हमसे पूछो वो रोजा रखना ही पसंद करता है, खाना पसंद करता ही नहीं, इसलिए कि बगैर खाए पिए अल्लाह के हुक्म को ताबे रोजा रखता है तो दिन भर ताकत भर अपने आप को महसूस करता है। जब खाना पीना शुरू करता तो कमजोरी होती है, जब तक रोजे में रहता है उन रूहानी ताकत अल्लाह अता करता है। माँ बहनों तो अल्लाह फरमाते हैं रोजे के वक्त में एक खुशी और एक खुशी उसे अब मेरी मुलाकात के वक्त में उसे होगी। जो हर बंदा चाहता है अल्लाह को देखो दुनिया में, लेकिन ये देखेगा नहीं दुनिया में, अल्लाह दिखाएंगे और सिर्फ कल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले ईमान वाले को अल्लाह का कयामत के दिन अपना दीदार कराएंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह का दीदार दिल दीदार की
लिहाजा